हाँ जी अस्सलाम वालेकुम, यूसुफ वसीम रिप्रेजेंटिंग प्रिक्स फार्मास्यूटिकल। हम एक अपने बहुत अजीज़ दोस्त हैं, उनके डेयरी फार्म पे आए हुए हैं इस टाइम पे, और मेरे साथ डॉक्टर इम्तियाज़ साहब हैं, और इनसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में इनके साथ हमने डिस्कस किया था, जिसमें सफेक्सिमिन एल स्प्रे हमारा आता है, ये आप देख सकते हैं बॉक्स। और इन्होंने यहाँ पे पहले ट्रायल करवाए थे हमने डॉक्टर साहब से, और उसके बाद फिर इन्होंने यूज़ किया यहाँ पे बकायदा। तो इनसे हम जानते हैं कि इन्हें किस तरह के रिज़ल्ट मिले हैं इस स्प्रे के, और इन्हें किस तरह का यहाँ पे इसका रिस्पांस आया। जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपसे डिस्कस करने थे काफ़ी से मिसाल कि मस्टाइटिस जो है वो फार्म पे तकरीबन प्रैक्टिशनर जो होते हैं या फील्ड में इकोलाई खासकर जो है ना मस्टाइटिस से बड़ा वास्ता पड़ता है, और ये इसकी ट्रीटमेंट काफ़ी मुश्किल होती है, और जब ये टक्जीमिक हो जाता है तो एनिमल एक्सपायर होने का ख़तरा होता है, बड़ी तेज़ी से और फुर्ती से ये एनिमल को ले जाता है। इसलिए इसके लिए फेट्रो ने जो ये काविश की है फेट्रोक्सिमिन सफेक्सिमिन एल स्प्रे की, तो इसके बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिले इसमें। इसमें हमने फर्स्ट जो ट्रीटमेंट है वो आप करें सफेक्सिमिन स्प्रे की, तो आपको इंशाल्लाह हैरत अंगेज़ तौर पर जो रिज़ल्ट मिलेंगे, एनिमल को महसूस ही नहीं होगा। अदरवाइज़ एनिमल दो तीन दिन के लिए ऑफ फीड हो जाता है, और बहुत ज़्यादा ड्रिपिंग करनी पड़ती है, और फार्म पे जो है ना वो बंदा उस एनिमल को छोड़ ही नहीं सकता है, और कोई पता नहीं होता है कब ये चला जाए। तो उसको सेव करने के लिए फर्स्ट जो ट्रीटमेंट बनती है वो आप सफेक्सिमिन स्प्रे करें, और इंशाल्लाह ये मेरा एक्सपेरिमेंट है, मैं आपको पता है कभी भी गलत बात जो है ना वो फॉरवर्ड नहीं करता। तो इससे जो है हमने आउट क्लास रिज़ल्ट लिए, एनिमल को आपने ट्रीटमेंट दी है, उसने पूरे क्वार्टर को जो है ना वो कवर किया है। कवर करने के बाद एनिमल को जो पेन किलर और एंटीबायोटिक लगने के बाद एनिमल रिलैक्स हो जाता है और जाके फीडिंग शुरू कर देता है, और ये एक बड़ी कामयाबी है। अदरवाइज एनिमल जो है ना वो इतनी स्ट्रेस में होता है, बाज़ का तो ऑफ फील्ड हो जाता है, बाज़ का डाउनर चला जाता है। तो इसको हमने यूज़ इस तरह करना है कि ये आपने कनस्तर निकालना है, इसको शेक करना है, शेक करने के बाद ये आपने इसके ऊपर इसकी जो नोज़ल है इसको लगाना है, और इस तरह करके दो या तीन आपने इसके पफ मारने, और ये अंदर सारा इसने क्वार्टर में जो है ना वो गैस इसकी भर जानी, जिससे सारे सॉफ्ट टिश्यू में ये मेडिसिन चली जानी। अगर इसमें जो है ना अगर हो जाता है वो क्या होता है फाइब्रोसिस होने से पहले आपने इसको इंजेक्ट करना है, अगर फाइब्रोसिस हो गया तो ये अंदर नहीं जाएगा, अंदर नहीं जाएगा तो काम नहीं करेगा। मसला ये होता है कि जब टीड फाइब्रोसिस हो जाता है उसको चढ़ाने की कोशिश करते हैं तो वो क्लेम आने शुरू होते हैं, जी ये ठीक नहीं है, ये काम नहीं करता। एक्चुअल में इसकी जो सबसे पहली ट्रीटमेंट है इकोलाई मस्टाइटिस में या टक्जीमिक मस्टाइटिस में आप करें, इंशाल्लाह बहुत ही आउट क्लास रिज़ल्ट है। मैंने इसका रिज़ल्ट अच्छा पाया है, इसलिए आप लोगों से शेयर किया है। आप फर्स्ट ट्रीटमेंट इसकी दें और 24 घंटे के बाद रिपीट कर दें, आपका एनिमल दूसरे दिन दूध उसका आना शुरू हो जाएगा, जिधर यानी कि वो पानी आ रहा है या गैस आ रही है। तो ये एक सलूशन आपको पेश किया है, बहुत थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। तो ये सफेक्सिमिन एल स्प्रे के ऊपर डॉक्टर साहब ने ट्रायल दिया, और ये बकायदा उन्होंने मुझे कुछ यहाँ पे जानवर दिखाए हैं जिनके ऊपर इन्हें बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिले हैं। इसमें दो सॉल्ट हैं सेफेस्ट्रिल और रिफेक्सिमिन। सेफेस्ट्रिल ब्लड बैरियर को क्रॉस कर जाता है, और रिफेक्सिमिन जो है वो ब्लड बैरियर को क्रॉस नहीं करता है। सो आई होप कि आप इसको इंशाल्लाह ताला इस्तेमाल करेंगे अपने जानवरों पे, और एक दफ़ा इसको ट्राई करके आप चेक करें, इंशाल्लाह आपको रिजल्ट आएगा। ये फर्स्ट टाइम पाकिस्तान के अंदर फेट्रो ने लॉन्च किया जो इनहेरिटेड गैसेस की फॉर्म में है, और यही डॉक्टर साहब ने बकायदा यहाँ पे इसको करके और देखा है और इससे रिज़ल्ट लिए हैं। इसीलिए आज उनको डॉक्टर साहब ने कहा था कि इसके ऊपर मैं बकायदा एक ये बताना है मैसेज देना चाहता हूँ कि इसके रिज़ल्ट आए हैं हमें बहुत ज़बरदस्त। सो बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच।